अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस ईयर नंबर 4 प्रॉब्लम सॉल्विंग टॉपिक स्टैंडर्ड फ्लो चार्ट सिंबल्स। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में बेसिकली आज हम ईयर नंबर 4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 5 एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 3 का आंसर डिस्कस करेंगे। सो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 3 इज एक्सप्लेन डिफरेंट सिंबल्स यूज्ड टू ड्रॉ फ्लो चार्ट्स विद एग्जांपल्स। हम सिंपली फ्लो चार्ट के डिफरेंट सिंबल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 93 एंड 94। ऑन पेज नंबर 93 वी हैव टॉपिक स्टैंडर्ड फ्लो चार्ट सिंबल्स। सिंपली एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 3 का आंसर यहां से स्टार्ट होगा, आप मार्क कर लें। स्टार्ट करते हैं। फ्लो चार्टिंग यूज स्टैंडर्डाइज्ड सेट्स ऑफ सिंबल्स। फ्लो चार्ट सिंबल्स विद देयर डिस्क्रिप्शन एंड एग्जांपल्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। Students, if we talk about flow charting is a process of drawing flow chart. और हमने discuss किया था, flow charting is a tool in problem solving method. अगर हम flow charting की बात करें, तो flow charting में जब हम flow chart draw करते हैं, because flow charting is a process of drawing flow chart, तो flow chart draw करने के लिए हम standard symbols use करते हैं. Means problem solving method में problem को solve करते हुए हम जो steps follow करते हैं, हर एक step की representation के लिए हम एक स्टैंडर्ड सिंबल यूज करते हैं। फ्लो चार्ट सिंबल्स विद देयर डिस्क्रिप्शन एंड एग्जांपल्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। हम टेबल डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टार्ट एंड सिंबल। स्टार्ट एंड सिंबल बेसिकली किसी भी फ्लो चार्ट के स्टार्ट या एंड को इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं। अगर हम इसकी शेप की बात करें, तो स्टार्ट एंड सिंबल को ओवल शेप से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो एन ओवल शेप सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स द स्टार्ट और एंड ऑफ अ फ्लो चार्ट। Start end symbol is also known as terminal symbol. This symbol shows the start and end of flowchart. Next, if we talk about the other symbol, we have input-output symbol. The input-output in a flowchart is represented by a parallelogram shape. Students, किसी भी flowchart में input को represent करने के लिए means वो data जो हम problem को solve करने के लिए computer को as raw material provide करते हैं, वो डेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं पैरेललोग्राम शेप में, मींस इनपुट आउटपुट सिंबल में। इनपुट और आउटपुट के लिए वी हैव सेम सिंबल। इसी तरह से आउटपुट को अगर डिस्प्ले करना हो इन अ फ्लो चार्ट, तो हम पैरेललोग्राम शेप यूज करते हैं, रिजल्ट को इसमें डिस्प्ले करते हैं। सो इनपुट आउटपुट के लिए सेम सिंबल है एंड दिस सिंबल इज इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम इनपुट को भी रिप्रेजेंट करती है और आउटपुट को भी रिप्रेजेंट करती है। सो नेक्स्ट वी हैव प्रोसेसिंग सिंबल। Rectangle shape symbol is used to represent the process or action taken. Students, input में हम raw material represent करते हैं, means वो values represent करते हैं जो हमारे पास problem statement में होती हैं, जो हम problem को solve करने के लिए use करते हैं, और output में हम at the end जो result होता है उसे display करते हैं। इसके अलावा हमने अभी start end symbol देखा, input output symbol देखा, अब हम discuss करेंगे processing symbol को, that is the main symbol in a flow chart. प्रोसेसिंग सिंबल के लिए हमारे पास शेप है रेक्टेंगल शेप। रेक्टेंगल शेप में प्रोसेस या एक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है, मींस जो भी कैलकुलेशंस हो रहे हैं, जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, दीज आर रिप्रेजेंटेड इन रेक्टेंगल शेप जस्ट लाइक दिस। इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द सम, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, दिस इज अ कैलकुलेशन, और इस कैलकुलेशन को, इस प्रोसेस को हमने रिप्रेजेंट किया है रेक्टेंगल शेप में। इन द सेम वे यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 15 ये प्रोसेसिंग के बाद आया है, तो ये भी हमारे पास क्या है, प्रोसेस है, और इसे हमने रेक्टेंगल शेप में रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट फ्लो लाइंस, तो फ्लो लाइंस को हमने फ्लो चार्ट की डेफिनेशन में भी डिस्कस किया था। दीज लाइंस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द सीक्वेंस, टू शो द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स एग्जीक्यूशन। एरोहेड विद लाइन इज यूज्ड टू शो द फ्लो ऑफ एनी प्रोसेस इन अ फ्लो चार्ट। स्टूडेंट्स, ये बेसिकली एरोज हैं, इन्हें फ्लो लाइंस कहते हैं। ये फ्लो लाइंस किसी भी फ्लो चार्ट में सीक्वेंस को शो करती है, मींस ये फ्लो लाइंस रिप्रेजेंट करती हैं कि किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप एग्जीक्यूट होगा। दीज सिंबल्स शो द फ्लो ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन और प्रोसेस इन द फ्लो चार्ट। अगर हम फ्लो लाइंस की फर्दर डिस्कशन करें, तो ये फ्लो लाइंस बेसिकली डेटा के फ्लो को रिप्रेजेंट करती हैं, मींस ये फ्लो लाइंस हमें आइडिया देती हैं कि किस तरह से एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक डेटा कैलकुलेशन हो रही है, डेटा यूटिलाइज हो रहा है। इन द सेम वे हमें प्रोसेस के बारे में भी सीक्वेंस प्रोवाइड करती हैं, जस्ट लाइक दिस। अब स्टार्ट के बाद हमारे पास कौन सा प्रोसेस है, कौन सा स्टेप है, ये फ्लो लाइन रिप्रेजेंट करी है डाउनवर्ड, इसके बाद जो भी आएगा। इन द सेम यहाँ पे भी फ्लो लाइन रिप्रेजेंट करी है,
कि अब हमारे तमाम स्टेप्स एग्जीक्यूट हो चुके हैं, तमाम स्टेप्स हमने प्रोसेस कर लिए हैं एंड दिस इज द एंड ऑफ फ्लो चार्ट। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में फ्लो चार्ट में स्टेप्स के सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए वी सिंपली यूज फ्लो लाइंस। एट द एंड वी हैव डिसीजन सिंबल। डिसीजन सिंबल बेसिकली डायमंड सिंबल भी होता है, इसका सेकंड नेम है डायमंड सिंबल। डायमंड सिंबल इज यूज्ड टू शो द डिसीजन प्रोसेस इन अ फ्लो चार्ट। किसी भी फ्लो चार्ट में डिसीजन के लिए हम यूज करते हैं डायमंड सिंबल। ये डायमंड सिंबल है, दिस इज डिसीजन सिंबल, और इसमें हम डिसीजंस को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम में वी हैव सम नंबर्स इनपुट और हमने इस प्रॉब्लम में इवन नंबर्स को डिस्प्ले करना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इवन नंबर्स को चेक करेंगे इस डिसीजन सिंबल में। यानी कि हम तमाम नंबर्स एंटर करते जाएंगे और इस सिंबल में चेक करते जाएंगे कि अगर नंबर डिविजिबल बाय टू है तो नंबर इवन है, अदरवाइज नंबर ऑड है। तो इस तरह की डिसीजन मेकिंग के लिए, मीन्स डेटा फिल्टर करने के लिए, किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग डेटा डिस्प्ले करने के लिए हम यूज करते हैं डिसीजन सिंबल, डायमंड सिंबल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वी हैव एक्स ग्रेटर देन 15, यानी कि यहाँ पे एक्स की वो वैल्यू प्रिंट होगी जो 15 से ग्रेटर है, अदरवाइज नो में हम जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पॉसिबल टू सिचुएशंस हैं। डिसीजन सिंबल में से टू फ्लो लाइंस निकलती हैं, एक येस के लिए, एक नो के लिए। येस शो करता है कंडीशन के ट्रू होने को एंड नो शो करता है कंडीशन के फॉल्स होने को। इन द सेम वे यहाँ पे भी हम देख सकते हैं सी बेसिकली कोई नंबर है और ये उस वक्त प्रिंट होगा जब ये 10 से लेस होगा। तो अगर 10 से लेस होगा तो येस में जाएंगे, प्रिंट हो जाएगा, या हम फर्दर इसको प्रोसेसिंग में यूज करेंगे, अदरवाइज नो में जाएंगे और उसको फर्दर प्रोसेसिंग में यूज नहीं करेंगे। दिस टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग इज डन इन डिसीजन सिंबल। स्टूडेंट्स, दीज आर स्टैंडर्ड फ्लो चार्ट सिंबल्स। हमने एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 3 का आंसर डिस्कस कर लिया है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 5। सो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 5 इज व्हाट इज द यूज ऑफ डिसीजन सिंबल। वी हैव डिस्कस्ड डिसीजन सिंबल। डिसीजन सिंबल बेसिकली डायमंड सिंबल भी है और ये यूज होता है किसी भी फ्लो चार्ट में डिसीजन प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 5 का आंसर मार्क कर लें, और यहाँ पे एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 3 का आंसर एंड हो रहा है, तो यहाँ तक वो क्वेश्चन भी कंप्लीट करें। स्टूडेंट्स, दैट्स इट फ्रॉम टुडेज टॉपिक। आपने ये आंसर्स बुक में मार्क करने हैं, इन टॉपिक्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। गुड डे, अल्लाह हाफिज़।